हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुल से क्वेश्चन जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का है। 2021 कैलकाटा यूनिवर्सिटी पास्ट ईयर क्वेश्चन जो कि मैं करा रहा हूँ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में। एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आप थ्योरी तो समझ जाते हो पर क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। सो मेरा पूरा मकसद ये है कि मैं क्वेश्चन करवाऊँ आपको, ताकि वो क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओ, ओके, और आप स्कोर कर पाओ। ओके, इससे पहले भी 2021 का एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है मार्कोविट्स मॉडल पे। ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3B। एक बॉन्ड का क्वेश्चन है, आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि कैसे ड्यूरेशन निकाले बॉन्ड की। तो ये ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन है, इस पे एक बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला लगता है जिसको हम लोग मैकोलेज ड्यूरेशन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकोलेज ड्यूरेशन फॉर्मूला, मैकोलेज ड्यूरेशन। कमेंट करके बताइएगा क्या आपने इसके बारे में सुना है, मैकोलेज ड्यूरेशन के बारे में, या किसी किताब में देखा है आपने मैकोलेज ड्यूरेशन। अगर नहीं तो आपको थोड़ा तो थैंकफुल होना चाहिए। चलिए, मेरा इंट्रोडक्शन, मैं देवांशु चौरसिया, यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन इकोनॉमिक्स, पेपर वन पेपर टू दोनों पढ़ाता हूँ। पेपर वन के वीडियोस बहुत ही जल्द आने वाले हैं आपके सामने, अभी तो पेपर टू की चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरेशन निकालना है एक 5 ईयर बॉन्ड का। यानी टाइम पीरियड जो है वो है 5 ईयर। 5 ईयर का बॉन्ड है, फेस वैल्यू है 1,000 रुपीज, सोल्ड एट पार। सोल्ड एट पार यानी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, सोल्ड एट पार। एट पार मतलब होता है सेम प्राइस पे। अगर अबव पार है यानी फेस वैल्यू से ऊपर, बिलो पार है यानी है फेस वैल्यू से नीचे, ठीक है। तो ये सेम प्राइस है, तो इसका मार्केट वैल्यू भी सेम होना है, ओके। कूपन पर ईयर पेड सेमी एनुअल, नो दिस इज द कैच, पेड सेमी एनुअल, यानी कि जो कूपन पेमेंट हो रहा है। कूपन पेमेंट मतलब आप एक बॉन्ड लेते हो, उसके कूपन रेट होता है, उस कूपन रेट पे आपको हर साल या हर क्वार्टर या हर 6 महीने पे एक पेमेंट आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेमी एनुअली पेमेंट आ रहा है, यानी कि जो कूपन पेमेंट आएगा आपको, कूपन पेमेंट वो सेमी एनुअली आएगा। अब बॉन्ड आपका है 5 साल का, हर साल में 2 बार पेमेंट आ रहा है, यानी कि टोटल जो आपका एन होगा वो होगा 10। ये होगा टोटल 10 आपका, ओके, यानी कि 10 बार कुल मिला के पेमेंट आपके पास आएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना, यहीं पे अक्सर स्टूडेंट मात खा जाते हैं, ओके। तो चलिए, मैकोलेस डेफिनेशन जो है, मैकोलेस का जो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो देखते समय अगर आपको कभी लगे कि वीडियो अच्छा है, वैल्यूबल है, आपके लिए कुछ नया है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है, या आपको खुद से चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा है। आपने देखा होगा मैं आप लोग को क्वेश्चन भी देता हूँ, मैं पूरा चीज़ नहीं कर देता, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप एंगेज हो सको, आप खुद से करो, ओके। तो अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वीडियो का मकसद ही है लोगों तक पहुंचना, और लाइक ही एक जरिया जिससे कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये आएगा और ये लोगों के यूट्यूब पे जो फीड होते हैं उस पर सजेस्ट होगा। अगर ये लोगों तक पहुंचे ही नहीं तो वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। तो लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स बताएं या फीडबैक दें कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 5th सेम के स्टूडेंट्स, आप जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप सब लोग अच्छा कर सको, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं। कूपन पेमेंट कैसे निकालते हैं? तो कूपन पेमेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल। कूपन पेमेंट क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कूपन रेट कितना है, 12%, तो 12, ये कितना है, 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 2, ओके, ये कितना हो जाना है, दिस शुड बी हाउ मच, 12% है ना, तो 12 × 1000 बाई 2, 2500, 2600, और नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। कूपन पेमेंट इज 12, फेस वैल्यू 12% of 1000 बाई 2, बिकॉज सेमी एनुअली हो रहा है, राइट, 6, ओके, सो दिस इज 12%, ओके, सो दिस इज परसेंट, तो ये 100 से डिवाइड होगा, सो 100 तो हो जाएगा 10, तो 6, 60, यस, 60 रुपीज, करेक्ट, सो दिस शुड बी 60, ऑल राइट, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज अपने आप में 100 से डिवाइड होता है, 0.12, तो ये हो गया 60। अब मैकॉलेस का जो ड्यूरेशन का फॉर्मूला है, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था, क्या है फॉर्मूला, समेशन टी इज इक्वल टू 1 to 2n, ध्यान रखना है 2n, ओके, टी इंटू सी, सी क्या है आपका, जो हर बार का जो कूपन पेमेंट है वो है सी, डिवाइडेड बाई 1 + YTM by 2, यील्ड टू मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, YTM by 2 होल टू दावर 2t प्लस 2n इंटू फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाई 1 + YTM by 2, यानी अगेन यील्ड टू मैच्योरिटी होल टू दावर 2n,
ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आप चीजों को पुट करोगे, सी की जगह सी, टी की जगह टी, एफ वी की जगह एफ वी, वाई टी एम की जगह वाई टी एम। तो वाई टी एम यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले बताया आपको। यील्ड टू मैच्योरिटी आप निकालोगे, यील्ड टू मैच्योरिटी निकाल के आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे और फिर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। इसका सोल्यूशन देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशन, आपको इसमें पुट करके आपको मुझे आंसर बताना है कि व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैं ये नहीं करने वाला, सो दिस इज अ इट इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। 2021 के पिछले वीडियो को मैंने पूरा सॉल्व किया था जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था, इट वॉज ऑल्सो कैलकुलेशन, एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था मैंने। यहाँ पे आप इसको पूरा सॉल्व करोगे और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या होगा। सो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मैंने आपको रेसिपी बता दी है, खाना आपको खुद बनाना है और उसको कंज्यूम करना है। ओके सो थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं। ओके।